सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। हाँ मुझी, आप कहाँ रह गए? भाभी जाओ ना हार लेके। ये वही है ना जिसने देखने के लिए अब तक वहां जी मचला जा रहा था। ठीक, ये हमारे से इंतजार नहीं हो रहा, दे भी दो ना। हाय जी, ये तो सिमरन जी के हार से भी बड़ा सेट। मैंने सुना था कि भगवान जब भी देवे छप्पर फाड़ के देवे, पर यहाँ तो हमारे घर वाले ने छप्पर फाड़ के दे दिया। ओ, अंग्रेजी में की कह रहे जी? हाँ, थैंक यू। अरे जी, ऐसे ना जाओ, ये हार तो मैं आप ही के हाथों से पहनूंगी। आप रुको जी, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ, फिर आराम से प्यार से पहनाना मुझे। एक काम करो ना जी, आप यहाँ दरवाजे पे पहना दो ना मैंने वो हार, यहाँ रोशनी में इसकी असली चमक पता चलेगी मैंने। जल्दी पहनाओ ना जी, हमारे से इंतजार नहीं हो रहा। मैं शीशे में देख रहा था। इसने कहवे हैं अच्छा बखत, हार तो मिली गया, साथ में सिमरन और राजबीर के रिश्ते में दरार भी डाल गया। राजवीर क्या हो गया, क्यों कर रहा है वो ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वजीरों को पढ़ाने की डिसीजन लेकर मैं खुद ही राजवीर को अपने से दूर कर रही हूँ? नहीं, जहाँ तक मैं राजवीर को जानती हूँ वो मेरे वजीरों को पढ़ाने के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसे तो ये डर है कि कहीं ये बात किसी को पता ना चल जाए। तो फिर उसने रज्जू को नेकलेस क्यों दिया? मैं ये भी नहीं मान सकती कि राजवीर रज्जू के बहकावे में आ सकता है। That means कि अगर राजवीर ऐसा कर रहा है तो इसकी कोई बहुत बड़ी वजह है। क्या हो सकती है वो वजह? Thank you.
अरे गबरू के हुआ, अपनी जान देनी है के? जो कुएं की गहराई भाप रहा है तू। वाह बुआ जी, सच में बड़ा खुराफाती दिमाग है आपका, मेरे बिना बताई बूझ लिया। तेरी जगह कोई और होता तो यही सोचता बेटा, अब इस खानदान में ब्याह करने वाला जान नहीं देगा तो क्या करेगा बेचारा। नाना बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मैं तो इस खानदान में ब्याह करके बड़ा सुखी हूँ। रानो जैसी घरवाली तो मैंने कभी भी नहीं मिल सकती थी। अच्छा तो तने ज्यादा खुशी मिल गई जो अपनी जान देने के बारे में सोच रहा है तू? जान तो मैं अपनी जिंदगी में पड़े हुए पत्थरों की वजह से दे रहा हूँ बुआ जी। एक ही सपना था कि फिल्म बनाऊंगा, पर वह भी पूरा नहीं हो रहा। ना तो ताऊ जी खुद पैसे लगाते फिल्म के लिए और ना किसी और ने लगाने देते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसमें समझाने वाली बात ना है गबरू, तने मांगने नहीं आया। अगर तू मांगता ना तो सामू खुशी खुशी पैसों का ढेर लगा देता तेरे सामने। हाँ वो कैसे बुआ जी? घंटे बाद आम वाले बगीचे में आ जाना, वही बताऊंगे। गांव वालों मरना कैंसिल, अब तो फिल्म बनेगी और वो भी हनुमान जी की दया से। हाँ हम आ रहे। नमस्ते जी। जी नमस्ते। तो ठीक है वजीरो, पर आज तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? जी जी वो मैं सबके लिए रोटियां बना रही थी ना, तो आने में थोड़ी देर हो गई। देर जरूर हो गई है जी जी, पर कल जो आपने हिसाब के सवाल दिए थे ना उनका हल निकाल दिया है मैंने। यो देखो जी जी। ये सारे हाथ में क्या हुआ? अरे जी जी जब मैं रोटियां सेक रही थी ना तो अंगार रुक के गिर गई, बस इसीलिए मैं ठीक हूँ। पर जीजी मैं ना घर पर ये बोलकर आई हूँ कि मैं किराने की दुकान पर जा रही हूँ, तो जीजी मुझे ना आज घर जल्दी जाना पड़ेगा। अशीरो आज के मैं तेरे कुछ कर पा। कैसा ये